सो हाई नमस्ते सबैजनालाई तपाईँहरू सबैजना सन्चय हुनुहुन्छ होला। आजको हाम्रो फर्स्ट न्युजको बारेमा कुरा गरौँ। हामी कुरा गर्न जान्छौँ तामाङ सिब्लिङ्सको बारेमा। सो पिङ्की तामाङलाई लिएर चाहिँ धेरै नराम्रो नराम्रो कमेन्ट्सहरू आइरहेको रहेछ। लाइक उहाँ चाहिँ एकदमै चिप हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ साथीहरूको घरमा चाहिँ जस्ट खाना मात्र खान जानुहुन्छ। आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग भन्दा पनि आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डसँग चाहिँ धेरै क्लोज हुनुहुन्छ। यताउता धेरै कमेन्ट्सहरू आएको रहेछ। यस्तो खालको कमेन्ट्सहरू चाहिँ धेरै समयदेखि आइरहेको रहेछ, बट उहाँले चाहिँ रियाक्ट नगरी बस्नु भएको रहेछ। रिसेन्टको भिडियोमा उहाँले आफ्नो मनमा भएको कुराहरू सबै भन्नुभएको छ। सो डिरोपाले उहाँहरूको त्यो हेर्न मन लागेको छ भने लिङ्क तल हुनेवाला छ, तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको लागि मैले उहाँहरूको भिडियोको छोटो पार्ट प्ले गरिदिन्छु। अचानक से क्या हो गया पिंकी को, हाउ चीप। वैसे तो चीप तो आप लोग मुझे हर एक कमेंट में बोलते हो पिंकी चीप है, नाना इधर जाके खाती है, पिंकी चीप है, फैजाना खाती है, पिंकी चीप है, फैजाना चिपकती है, पिंकी चीप है, फैजाना के हाथों से खाती है। आप लोग तो मुझे चीप तो बोलते ही हो, पर खैर अभी मुझे आई डोंट केयर। पिंकी को ये करना चाहिए, पिंकी को वो करना चाहिए, पिंकी को मैनर सीखना चाहिए। अरे भाई कौन सा मैनर। शुरुआत से लेकर आज तक आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। यू गाइस नो दैट we are very loud, we have a very loud personality. और आज अगर ऐसा है ना, शुरुआत में अगर मैं ऐसे बोल देती, ओह अच्छा हाँ नमस्ते हाय, और अब जाके मैं हाय एवरीवन, तब जाके मैं समझ में आता कि चलो पिंकी ने पहले, पिंकी तो पहले ऐसा नहीं थे, अभी पिंकी ऐसा होगी। अरे भाई मैं पहले से ऐसे हूँ और आप लोगों की वजह से आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, आई एम सॉरी, मैं नहीं चेंज, क्योंकि मैं यही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम। दो साल के बाद अगर मैं आज ऐसे यहाँ पे बैठ के आप लोगों से ये सब कुछ बोल रही हूँ, इसका मतलब मुझे कब से था ये चीज मेरे दिल के अंदर, बस मैं बोल नहीं पा रही थी, बट आज मैंने बोल दिया। आप इसके बाद जो हो आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट, क्योंकि ना बात ये नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं, बट यू नो व्हाट, जिस हिसाब से आप कमेंट कर रहे हो मेरे फैमिली भी देखते हैं भाई, इवन आई हैव अ फैमिली, तो क्या ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आप लोगों की फैमिली है, हमारा भी तो फैमिली है ना। तो आप लोग ऐसे यार, मतलब आपने मुझे ऐसा बना दिया है कि भाई मतलब मैं एक लड़की हूँ जिसको सिर्फ लड़के पसंद है, लड़के देखते मैं लड़के ऊपर चढ़ जाती हूँ, ऐसा नहीं है ना भाई। क्या आप लोगों का कोई दोस्त नहीं है? दोस्त के हाथों से आप लोगों ने कभी खाना नहीं खाया है? क्या दोस्त को आपने हक नहीं किया है? दोस्ती नहीं निभाई है क्या आपने? यू डोंट नो व्हाट इज फ्रेंडशिप, दैट मींस इट्स ओके। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन। मेरा जो रिश्ता मेरे दोस्त फैजान के साथ है, वो मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसके साथ मेरा कैसा रिश्ता है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई नो, बड़े सब्जेक्ट के बारे में कुरा रहा हूं, हमें कुरा न जान चला खिला के बारे में। सो आई थिंक अहिले चाहिँ उहाँ इन्डियामा हुनुहुन्छ र एकजनाले उहाँसँग फोटो खिच्न रिक्वेस्ट गर्नु भएको रहेछ। लाखिलाले पनि सोच्नु भएको होला कि उहाँ चाहिँ उहाँको फ्यान होला भनेर, बट लास्टमा रिजन चाहिँ अर्कै रहेछ, एन्ड त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो स्टोरीमा पनि अपलोड गर्नु भएको थियो। सो तपाईँ आफू हेर्न सक्नुहुनेछ। I love Korean, that's why. Oh, you love Korean? Yes. Oh, okay. Thank you. Have fun. Enjoy. अनि त्यसै गरी अब हाम्रो नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ। हामी कुरा गर्न जान्छौँ रुङमाङ भ्लगको बारेमा। उहाँको च्यानलमा 100 मिलियन भ्युज कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसैमा रियाक्ट गरे रुङमाङ भ्लगले यो भन्नुभएको छ। सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु 10 करोड भ्युजको लागि। सबैजनालाई मैले केही हदसम्म कसैलाई हँसाएँ होला, कसैसँग बन्डिङ भयो होला मेरो, केही हदसम्म मलाई दाई मान्नुहुन्छ होला, केही हदसम्म मलाई भाइ मान्नुहुन्छ होला। यो भ्युज होइन, यो हाम्रो सम्बन्ध गाँसिएको भन्छु म यसलाई है। 10 करोड कसैलाई मैले हँसाउन सकेँ होला, कसैलाई मैले खुसी बनाउन सकेँ होला, त्यहीमा म खुसी छु। 10 करोड पो रहेछ साथीहरू, म त 1 करोड भनेर अघिदेखि लुल भएर बसेको। अनि अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ। हामी कुरा गर्न जान्छौँ निशा एलएमसीको बारेमा। सो तपाईँहरूले पनि थाहा होला, उहाँले भन्नुभएको थियो कि उहाँको चाहिँ एउटा भाइन्स टाइपको भिडियो आउँदैछ भनेर। रिसेन्टली उहाँले त्यसैको अनाउन्समेन्ट गरिदिनु भएको छ। भिडियोको टाइटल हुनेवाला छ विदेशी जिन्दगी। फोटोमा देख्न सक्नुहुनेछ कि यो भिडियोमा चाहिँ परवेज, प्रसन्ना, प्रफुल्ला पनि फिचर हुनुभएको छ। सो लेट्स सी अब उहाँको यो भिडियो कहिलेसम्म आउँछ, आयो भने तपाईँ इन्फर्म गरिहाल्नेछु। अनि अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ। हामी कुरा गर्न जान्छौँ सुशान्त प्रधानको बारेमा। सो उहाँको चाहिँ मल्टिपल फेक एकाउन्ट्सहरू बनिरहेको रहेछ। सो त्यसैमा रियाक्ट गर्दै, गाइज देयर आर मल्टिपल फेक एकाउन्ट्स इन माई नेम, आई हेभ पोस्टेड अबाउट इट मल्टिपल टाइम्स, डु नट इन्टरेक्ट विथ दिस एकाउन्ट्स, दिस इज माई ओन्ली एकाउन्ट भन्ने पोस्ट गर्नुभएको थियो। ओके, आजको लागि यति नै। एन्ड बिग साउट आउट टु पर्जिन ब्लग, स्मिथ मगर, फेजिड, अनिस लिम्बू एन्ड अरुण टुम्बा पो फर कमेन्टिङ अन माई भिडियो। यदि हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। त्यसमा तपाईँ राम्रोसँग बस्नुहोस्, म पनि राम्रोसँग बस्छु। लभ यु अल, keep smiling.